पता नहीं यार लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये मेरा ट्रेन का सबसे बुरा एक्सपीरियंस था। कितना प्यारा व्यू है ब्रिज के ऊपर से। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हावड़ा। तो आज हम पहुंच चुके हैं पुरुलिया जंक्शन और आज हम जा रहे हैं हावड़ा ट्रेन में। तो आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो बड़ी बात है ये मेरा पहला सफर है ट्रेन में। जी हाँ, इससे पहले मैंने कभी भी ट्रेन में सफ़र नहीं किया। तो हम ढूंढ रहे हैं अपना ट्रेन जो कि सामने ही है, हम अभी जाएंगे और आपको फुल एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा लगा, मतलब कैसा रिएक्शन है मेरा। मैं सब कुछ आपको पूरा डिटेल्स वीडियो में आगे बताते रहूँगा। तो ये आप देख सकते हो, ये पुरुलिया जंक्शन, पुरुलिया जंक जो कि, और यहाँ का जो अभी मौसम हो रहा है ना, अभी मतलब बारिश होने वाला है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मतलब आगे ट्रेन में मतलब मज़ा आने वाला है बहुत सफ़र में, जो कि लग रहा है मुझे। और ये हम ट्रेन में एंटर कर चुके हैं और ये सीट देखो, हमें ये दो लंबा लंबा सीट मिल गया है जो कि हम सो के जाएंगे आराम से। और यहाँ का कुछ व्यू कुछ ऐसा है और ऊपर फैन भी है जो, और ऊपर शायद वो बैग रखने का है या स्लीपिंग है मुझे पता नहीं, शायद बैग ही रखने का है। और इस तरफ से देखो थोड़ा सा डर भी लग रहा है, मतलब इस तरह से मैंने कभी भी खड़ा नहीं हुआ वो ट्रेन में और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। ये जो कि मेरा पहला सफ़र है ट्रेन में ये, और व्यू तो ज़बरदस्त लग रहा है मुझे, ये मतलब नेचर से बहुत प्यार है। उसके बाद हमने भी थोड़ा बहुत हमने ले लिया कुछ इस तरह से, जैसे लोग खींचते हैं फोटो, हमने भी थोड़ा बहुत फ़ोटो ले लिया। और फ़ोटो खींचते खींचते फिर हमने देखा है सामने से एक ट्रेन आ रहा है और थोड़ा अजीब मतलब डर डर सा लग रहा है, जैसे एकदम पास से जा रहा है ट्रेन। इतने पास से मैंने मतलब ट्रेन नहीं देखा, एकदम सामने से चल रहा है जो कि इंडियन रेलवे। यहाँ पर लोग भी खड़े हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत लंबा ट्रेन है। और ट्रेन थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर दिया है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था और मेरा ब्लाइंडनेस बार बार मतलब ख़राब हो रहा है। रहने देते हैं यहाँ पर, ये देखो आप फाइनली ट्रेन चलना शुरू कर दिया है। ट्रेन बाहर देख सकते हो थोड़ा थोड़ा चल रहा है, मैं बाहर की तरफ फ़ोन नहीं निकाला क्योंकि अगर कोई लेके भाग जाए, डर भी लग रहा था अगर कुछ कोई चोरी हो जाए या, मतलब पहली बार चढ़ रहा हूँ ना ट्रेन में तो थोड़ा बहुत डर लग रहा है। देखो धीरे धीरे अभी जा रहा है, प्लेटफॉर्म में ही चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो वेलकम टू पुरुलिया स्टेशन, बाय बाय पुरुलिया, जो कि हम अभी पुरुलिया छोड़ के जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो लिखा हुआ है पुरुलिया जोंग, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पुरुलिया जोंग, जो कि सभी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, चार लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी बंगाली इंग्लिश और वो शायद या। ये देखो गाइस पुरुलिया ओवर ब्रिज, ये बैंकुड़ा जा रही है वाला ओवर ब्रिज। बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पर, ट्रेन चलना शुरू कर दिया, स्पीड थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। व्यू तो नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कुछ हॉस्पिटल वगैरह है शायद, बहुत अच्छा लग रहा है जो कि धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है और अभी स्पीड और बढ़ रहा है। और अभी इसका आप स्पीड चेक कर सकते हो, स्पीड देखो अभी 900 किमी पर आवर, जो कि बहुत ही तेज़ चल रहा है अभी। बाहर का नज़ारा देखो, ओहो बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो दीवाना हो गया। और ये धनड़ा नाम करके स्टेशन पर रुका है, यहाँ पर देखो एक ट्रेन खड़ा है, इसका टायर देखो कितना बड़ा है, टायर मतलब जो वो चक्का होता है, इसका जो चक्का है लोहे का, ये देखो कितना बड़ा है, इसके अंदर नीचे अगर कोई आ गया तो खेल खत्म, कोई नामो निशान ही नहीं मिलेगा। रुको जरा एक बार, ये हट जाए यहाँ से, ये आप देख सकते हो ये साइड कोने में ही है। रुको वो देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, वो है जयचंडी पहाड़, ठीक है। तो हम थोड़ा और नज़दीक जब जाएंगे हम, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा पहाड़ है जयचंडी पहाड़, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है दूर से। सामने और कितना अच्छा, कब जाएंगे कभी हम भी
घूमने, दिखाएंगे आपको। ये देखो हम और सामने आ गए उस पहाड़ के, अब तो पूरा क्लियर नजर आ रहा है। सामने कैसा होगा पता नहीं, दूर से ही तो बहुत अच्छा लग रहा है। दूर से पहाड़ देख रहे हो यहाँ पर, शायद जो ऊपर चढ़ते हैं क्या बोलते हैं उसको, वो भी शायद कर सकते हैं यहाँ पर। मजा आ गया एकदम, जो कि स्पीड, और अभी बहुत स्पीड में चल रहा है। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अभी आद्रा जंक्शन, आद्रा रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, जो कि पुरुलिया से सामने ही है। और हम निकल चुके हैं अभी। और ये देखो आप यहाँ पर देखो, किसी ने गुटखा खा के यहाँ पर थूक दिया है, तो ये क्यों कर रहे हो यार? बाहर का व्यू देखो, इतना सुंदर व्यू, और आप यहाँ पर ये गंदे गंदे काम करते हो। ये देखो कि किसी ने यहाँ पर गुटखा खा के थूक दिया है, ये मत करो यार, व्यू का एंजॉय लो। ट्रेन में जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, तो ये वाला शॉट देखो कैसा लग रहा है। You can see straight through my life. Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. और ये गाइस हम एंटर कर रहे हैं बांकुड़ा में, ये बांकुड़ा हम एंटर कर रहे हैं अभी, तो दिखाते हैं आपको बांकुड़ा स्टेशन भी कैसा है। देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है बांकुड़ा जंग। अभी ट्रेन खाली हो गया है यहाँ पर, और बाहर बहुत भीड़ भी है, अभी भीड़ भी हो सकता है बहुत। यहाँ पर देख सकते हो बांकुड़ा हम पहुँच चुके हैं। करीब कितना लगा? 1 घंटा 50 मिनट करीब लगा। और अभी हम निकल रहे हैं बांकुड़ा से, ट्रेन छोड़ दिया है, और हम क्या है बहुत पीछे है, तो हमें जो दुकान वगैरह है ना जो स्टेशन में रहता है वो हमें नहीं मिल रहा है। मतलब अगर हम निकलेंगे वो लेने तो ट्रेन चलना शुरू कर देगा, दिक्कत हो जाएगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सुंदर है बांकुड़ा स्टेशन भी। पर भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर अभी वेदर देखो थोड़ा बहुत फॉग ऐसा लग रहा है जैसे सुबह है, जो एकदम मतलब 4-5 बजे जैसा लगता है ना, वैसा लग रहा है एकदम। और ये क्या है साइड में पता नहीं, कोयला जैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो कि मुझे तो एकदम मज़ा सा आ गया, पहली बार ट्रेन में चढ़ा, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ट्रेन में, क्या बताऊँ। मतलब मैं तो चाहूँगा आपसे ट्रेन में ही जाऊँ, आऊँ ट्रेन में ही सब करूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखो पर अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, इसलिए काशफूल यहाँ पर देख सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है ये डैम भी। और यहाँ पर देखो भर भर के काशफूल है, देखो बहुत अच्छा लग रहा है। जो कि मतलब मजा सा आ गया, व्यू मतलब बहुत बढ़िया लगा। ये आप देख रहे हो व्यू, ये व्यू देखो चारों तरफ खेत ही खेत, दूर दूर तक देखो ऐसी कैसी जगह पर लोग खेती करते हैं, देखो इतनी मेहनत चारों तरफ, मतलब जहाँ आग जा रहा है वहाँ पर ही मतलब खेत ही खेत, मतलब इतने मेहनत करते हैं जो हमारे फार्मर लोग हैं। ये हम पहुंच चुके हैं अभी बिष्णुपुर, और अभी अंधेरा हो गया है, वो व्यू के बाद अंधेरा हो गया, तो हम बिष्णुपुर में एंटर कर चुके हैं। और हम थोड़ा बहुत सो भी गए थे उस व्यू को देखने के बाद। और ये देखो हम अभी ट्रेन एक जगह पर रुक गया है, पांसकुड़ा जंग करके रुक गया है यहाँ पर, ये स्टॉपेज नहीं है लेकिन यहाँ पर रुक गया है, शायद कोई और ट्रेन पास हो रहा है, भैया ने बताया मुझे मेरे, देख सकते हो आप। देखो एक एक्सप्रेस बहुत स्पीड से में जा रहा है ट्रेन प्लेटफॉर्म के अंदर, स्टॉपेज नहीं है ना यहाँ, ये वाला ये लोकल ट्रेन का स्टॉपेज है। स्टॉपेज के बाद मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, फिर हम थोड़ा बहुत ऐसे ही सो रहे थे, गाना वाना सुन रहे थे, उसके बाद हम पहुँच गए एक जगह पर, जगह का नाम भूल गया, तो वो हावड़ा से नज़दीक था, तो हम थोड़ा आगे जा रहे थे, हम बहुत पीछे थे ना, वो हम थोड़ा आगे जा पहुँच जाएंगे। और ऊपर देखो यहाँ पर हावड़ा एंटर करने हम कर रहे हैं, और यहाँ पर देखो एक ऊपर बिल्डिंग सा दिख रहा है, और ऊपर एक जेसीबी है, मतलब क्रेन टाइप जेसीबी कुछ है,
इतना ऊपर चढ़ा कैसे भाई। फाइनली हम हावड़ा पहुंच चुके हैं अभी, तो हम अभी भाग रहे हैं, तो हम मतलब 19 नंबर प्लेटफॉर्म उतरे हैं और हमें जाना है 1 नंबर प्लेटफॉर्म। आप देख सकते हो वेलकम टू हावड़ा, बहुत अच्छा लग रहा है। और भीड़ देखो अभी, मतलब रात के 9:20 हो रहा है और ये रहा हावड़ा ब्रिज अंधेरे में, जो कि बहुत उतना समझ में नहीं आ रहा है। और हम ढूंढ रहे हैं अभी बस, देखते हैं बस मिलता है या नहीं। और फाइनली हम बस पे चढ़ चुके हैं और गर्मी, कोलकाता का गर्मी भाई साहब, वो ट्रेन में बारिश हो रहा था, ठंड लग रहा था और यहाँ पर गर्मी। और यहाँ पर ट्रेन बस में उठ के देखा, यहाँ पर जो लाइट है ये तो डीजे हो रहा है, डीजे। तो गाइज हम घर पहुंच चुके थे सेफली और हमने आपको हावड़ा स्टेशन दिखा नहीं पाया अच्छे से, तो हम जब वापस जाएंगे उस दिन आपको दिखा देंगे। तो अगर वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।